विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कौटिल्य की शिक्षा नीति सिद्धांत सिक्स फोल्ड पॉलिसी के बारे में बताऊंगी कि कौटिल्य बताता है किसी देश के राजा को यदि विदेशी संबंध या पड़ोसी राज्य से संबंध निभाना है तो उसके लिए किस प्रकार की पॉलिसी या नीति का निर्धारण करना चाहिए। तो बहुत ही सरल शब्दों में हम समझेंगे कि कौटिल्य की शिक्षा नीति सिद्धांत क्या था। विद्यार्थियों, शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो 6 गुणों वाली नीति। इस नीति के द्वारा कौटिल्य बताना चाहता था कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। इस नीति के आधार पर राजा को यह परामर्श दिया जाता था कि वह हर परिस्थितियों पर विवेकपूर्ण विचार करते हुए अन्य राज्यों के साथ इन 6 स्थितियों में से किसी एक नीति का चयन करे। कौटिल्य के अनुसार राजा ही राज्य में सर्वशक्तिमान है। राजनीति की सफलता या असफलता तथा राज्य का भविष्य राजा की शक्ति और नीति पर ही निर्भर करता है। शिक्षा नीति के 6 लक्षण या स्थितियाँ हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, देदीभाव और संशय। आइए हम इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम संधि की बात करें, संधि का अर्थ होता है मैत्री या दोस्ती। दो राजाओं की परस्पर मित्रता संधि कहलाती है। कौटिल्य के अनुसार शत्रु से संधि उस समय कर लेनी चाहिए जब उसे पराजित करना संभव ना हो। वहीं हम दूसरी नीति देखते हैं, विग्रह। विग्रह का अर्थ कौटिल्य बताता है युद्ध। इस नीति का उपयोग राजा को तब करना चाहिए जब राजा शत्रु को निर्बल देखे। विग्रह नीति अपनाते हुए शत्रु के ऊपर आक्रमण करके राज्य की भूमि के भागों को तुरंत अपने अधीन कर लेना चाहिए। वहीं तीसरी नीति है यान। यान का अभिप्राय वास्तविक आक्रमण से है। इसमें राजा दूसरे राज्य को बिना सूचित किए आक्रमण कर देता है। यह स्थिति तभी अपनाई जानी चाहिए जब राजा ये सुनिश्चित कर ले कि आक्रमण के मार्ग को अपनाए बिना शत्रु को वश में करना संभव नहीं है। आसन, जब विजय चाहने वाला राजा और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हो तो राजा के द्वारा आसन अर्थात तटस्थता की नीति अपनाई जानी चाहिए। आगे की नीति है संशय। संशय का अर्थ है बलवान का आश्रय लिए जाने से। यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता, साथ ही यदि वह अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो तो उसे बलवान का राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। तो कौटिल्य इसको संशय नाम देता है। नेक्स्ट है देदी भाव की नीति। कौटिल्य का आशय एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति अपनाए जाने से है। जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो देदी भाव की नीति अपनाई जानी चाहिए। देदी भाव का मतलब है दोहरी नीति या दो भाव रखने वाली नीति। विद्यार्थियों, कौटिल्य की शिक्षा नीति की विचारधारा का मूल यही है कि विशेष परिस्थितियों में जो नीति उपयुक्त हो वही अपनाई जानी चाहिए। विद्यार्थियों, कौटिल्य की शिक्षा नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य कम या अधिक रूप से इस पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी।